सबसे पहली बात तो मेरे दोस्त है, मेरे भाई है, हम लोग काफ़ी सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने उस वक्त मुझे वादा किया था कि मैं आपको मेरी पिक्चर में ज़रूर लूँगा, उन्होंने वादा निभाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई आपका। और इसमें मैं किरदार निभा रहा हूँ, मैं क्या किरदार निभाऊंगा सर, सर उसमें करवा लेंगे वो भी है, जो भी मेहनत करेंगे ये मुझ पर करेंगे, मैं तो बस पत्थर हूँ, ये मुझे कांच का दुकड़ा हूँ सर, ये मुझे हीरा बनाए, बाकी कुछ नहीं, बाकी अल्लाह फारूक भाई सारे रूब माइक ले आओ ना सर, पीछे हो ना प्रभात, कैसे जुड़े हैं फिल्म से, क्या करना चाहते हैं? मैं हबीब भाई के साथ में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, बहुत सारी सीरियल फिल्म जैसे निर्जा बॉलीवुड रिटर्न वगैरह फिल्में की है, बहुत सारी सीरियल मेरा करंट सीरियल ऑनर है मैं मर जाऊँ, उसके अलावा काफ़ी सारे सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल वगैरह काफ़ी सारा किया है, CID शब्द और काफ़ी सारे सीरियल्स किए हैं। हबीब भाई ने बहुत टाइम पहले मुझे कहा था कि जब भी मैं फिल्म बनाऊंगा तो आपको साथ जरूर करूंगा, तो इस फिल्म के अंदर उन्होंने मुझे जोर दिया अपने साथ में, मैं इसमें मानिक ठाकुर का कैरेक्टर कर रहा हूं जो कि हीरो के पिताजी। आपका पर्सनैलिटी काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी अलग है कि आपका पर्सनैलिटी, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा जो भी आपको रोल मिला उससे कितना संतुष्ट है, और भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको बॉलीवुड का भी एक्सपीरियंस है, टीवी का भी एक्सपीरियंस है? हाँ, भोजपुरी में पहले मैं जगदीश शर्मा जी के साथ में एक फिल्म कर चुका हूँ कर्तव्य, और खैर उसके अंदर ज़्यादा कोई मतलब जो कैरेक्टर मिला था उस कैरेक्टर के हिसाब से मतलब ज़्यादा मेरा रोल उसमें रहा नहीं था, इस वजह से ज़्यादा पहचान नहीं बना पाया, मगर अब इस फिल्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मतलब शायद मेरी पहचान ज़रूर बन जाएगी इस फिल्म के हिसाब से। और फिल्म से पहले भी आपकी एक बड़ी पहचान है, माना कि दूसरी इंडस्ट्री तो टीवी में है, उस पहचान का आपको इस इंडस्ट्री में भी यकीनन फ़ायदा होगा, जी ज़रूर।
और ये भी जानना चाहूँगा आजकल काफ़ी माध्यम हो गए हैं, सिर्फ फिल्म नहीं वेब सीरीज एक बड़ा माध्यम है, शॉर्ट फिल्म से कोई माध्यम एक्सप्लोर करना क्या करना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आज अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि आपको वास्ट एक्सपीरियंस इसलिए आप सजेस्ट कर सकते हैं आर्टिस्ट को। वेब सीरीज भी काफ़ी अच्छा माध्यम है, अच्छे से चल रहा है, मैं काफ़ी सारे वेब सीरीज़ भी कर रहा हूँ, विक्रम भट्ट जी की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, अनटचेबल्स, जिंदाबाद, अलाइव, काफ़ी सारी वेब सीरीज कर रहा हूँ मैं। इसके पहले बूट के लिए मैं एक वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, शादी बॉयज। ये तो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं जो एज एक फैक्टर मानते हैं कि अगर यंग है तो उनको काम मिलता है काफ़ी, और नहीं होते हैं यंग तो फिर एक यू नो ऐसा कुछ नहीं है, अगर टैलेंट है तो काम मिलता ही रहता है, कोई कमी नहीं आती काम के अंदर, इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है काम की, काफ़ी काम है। आज के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या माहौल है, कितना अपॉर्चुनिटीज़ और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं और कितना ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है। प्रोफेशनल तो बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया है और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है। बस एक आर्टिस्ट को वो सही ढंग से मेहनत करनी पड़ेगी और सही ढंग से लगे रहना पड़ेगा, तभी ही आप काम कर पाओगे, वरना नहीं। थैंक यू साहब, आप कीजिए सवाल जवाब। सर सबसे पहले परिचय जाना चाहूँगा, जाना चाहूँगा फिल्म के बारे में कैसे जुड़े हैं, क्या करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर। इस फिल्म को लेकर मैं कहूँगा कि हबीब भाई ने अपने पहचान वाले में काफ़ी काम किया, हिंदी में वहीं से मेरी पहचान कर किया है साथ में, पहली भोजपुरी फिल्म है। तो जैसे आपने बताया कि थिएटर भी किया है और हिंदी फिल्मों को किया, तो भोजपुरी करने में मतलब कितना बहुत इतना सोच करते हैं? इसका स्वाद मुझे बड़ा अच्छा लगता है, भाषा बड़ी अच्छी है, बड़ी मीठी है, सुनने में और बोलने में बड़ा मज़ा आता है, फिल्म अक्सर देखने में लोगों को बोलते हुए देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और मैं अपनी भोजपुरी से मेरी और लगभग बच्चों को अच्छे तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ। तो कुछ किरदार क्या बताना चाहिए कि किस तरह का किरदार है आपका? किरदार मेरा है इसमें एक सैनिक के साथ निगेटिव करेक्टर है इस तरीके का। और इसके अलावा और कुछ सीखना आपको देखने मिलेगा? मैं फ्यूचर में तो अभी ये बिल्कुल ही और कर रहा हूँ, करेक्टर हूँ उसको का नाम अभी अनाउंस नहीं है, बाकी मैं हिंदी सीरियल वगैरह करता रहता हूँ, जैसे क्राइम तो वैसा होना नहीं दिया है, एपिसोड एक कहानी होता हूँ डेली करता रहता हूँ। तो कितने संतुष्ट हैं अपने करियर को लेकर, काफ़ी जो काम किया आपने तो काफ़ी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, अभी भाई ने जैसे बताया है काफ़ी कुछ करने का मौका है, और शायद लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। परिचय दीजिए, बताइए इस फिल्म के बारे में कैसे जुड़े हैं और क्या करना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर। ये फिल्म सर पहले नाम नाम है फिल्म बदला लेंगे हम, अभी सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये फिल्म हबीब सर से बहुत पुराना तालुका ग्राम है, उन्हें से काफ़ी सारे उनके साथ काफ़ी दिन ब्रेक रहा मेरा भोजपुरी से, लेकिन इसमें बहुत अच्छा करेक्टर आया जिसकी वजह से। तो अभिनय जो यात्रा शुरू कहाँ से शुरू की और कैसा रहा अभी तक का? जी मेरा नाम शशि सागर है और इस फिल्म के मोहम्मद हबीब जी के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा जुड़ा। तो क्या मतलब क्या रोल क्या प्ले कर रहे हैं, राइटर हैं क्या? नहीं मैं एक्टर हूँ। अच्छा, क्या रोल प्ले कर रहे हैं? कॉमेडियन का रोल है। अच्छा, और क्या ये पहली भोजपुरी फिल्म है या पहले जब? नहीं, हमारी पहली भोजपुरी थी खेसारी जी के साथ, खेसारी के प्रेम रोग भाई, उसमें भी कॉमेडियन ही था। तो कॉमेडी करना बहुत मुश्किल होता है, कितना मुश्किल कितना आसान समझते हैं आप कॉमेडी करना? लोगों को हंसाना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, ठीक है कर रहे हैं। और सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका अभिनय का, कब शुरुआत की, कहाँ तक के मतलब कौन से प्रोजेक्ट में काम किया अभी तक आपने? बता दिया, मेरी पहली फिल्म हुई थी प्रेम रोग, उसके बाद बेटा हो गया सही से, फिर इनकी फिल्म मोहब्बत हुई थी, कभी हम लोग दूसरी फिल्म इसको पहले कर लें।
ठीक है हाँ ओके समझ गए ये वाली लाइन उम्मीद है आप भी अच्छे होंगे और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप क्या चल रहा है प्रियंका जी, हम यहाँ पर आज सेट पर किस सेट पर हैं और क्या शूट कर रहे हैं? हम एक्चुअली मैं कर रही हूँ फिल्म की शूटिंग, फिल्म का नाम है हम बदला लेंगे। किससे बदला लेंगे आप? किसी से नहीं, अभी हाल फिलहाल में तो किसी से बदला लेने के मूड में नहीं हूँ। नहीं, पिछले दिनों आप बदला लेने के मूड में थे मतलब? हाँ, किसी से थी, कोई एक बंदा था जिससे बदला लेना चाहती थी, लेकिन अभी सबको पता है अब क्या नाम लेना। मुझे नहीं पता है। नहीं नहीं, मैं नाम लेके और फेमस नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब वो आदमी फेमस नहीं था, बिना फेमस लोगों से आप भिड़ते हो? नहीं नहीं, वो फेमस थे लेकिन फिर मेरे नाम की वजह से वो और ज्यादा फेमस हो गए। अच्छा, आपको लगता है आपके साथ अगर किसी का नाम जुड़ गया विवादों में भी तो फेमस हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, वैसे जल्दी जुड़ता नहीं है बट है कुछ लोगों से जुड़ जाता है। कंट्रोवर्सी क्वीन हो कह सकते हैं, अगर सच बोलना अगर कंट्रोवर्सी है तो ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो आपको बड़ा मजा आता है इसमें? नहीं, मजा नहीं आता लेकिन सच बोलना अच्छा लगता है। मतलब बाकी सारे लोग सच नहीं बोलते हैं? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके से लेके जाते हैं चीज़ों को, बट मुझे लगता है कि अगर कोई चीज़ गलत मुझे लगेगी तो मैं बोलूँगी, फिर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो या किसी को अच्छा लगे या किसी को ना लगे। मुझे लेकिन आप शुरू से ऐसे नहीं थे, शुरू से आपको इतना शायद सच पसंद नहीं था या फिर तब इतनी कंट्रोवर्सी? इंडस्ट्री बना देती है आपको, वैसा लोग आपके जो इर्द गिर्द होते हैं ना वो आपको वैसा बना देते हैं धीरे धीरे धीरे। और मुझे देखो, एक टू बी फ्रैंक चीज़ है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, हर इंडस्ट्री में होता है। भोजपुरी की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ अगर आप अपना ओपिनियन रखते हैं तो आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, आपको कंट्रोवर्सी क्वीन बोल दिया जाता है, आपको गालियाँ मिलने लगती है, आपको चार पांच पिक्चरों में से वो लोग निकालने लगते हैं। ये सिर्फ भोजपुरी में होता है और कहीं नहीं होता। तो आपको चार पांच फिल्मों से निकाला गया? वो तो इससे पहले भी निकाला था। कुछ फर्क पड़ा आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके कुछ लोगों ने जिस हिसाब से मुझे गालियाँ दी थी मेरे वीडियोस पे आके, उससे तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो गालियों के बाद मुझे फ़र्क पड़ा होगा तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके कुछ कह देने से मैं वो हो नहीं जाऊंगी। नहीं, आपको आजकल हाँ गालियाँ आपको झोला भर भर के पड़ती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोरियाँ बिस्तरा बांध के वो लोग आ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस बंदे के लिए वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं वो उनका घर चलाता है। नहीं, घर चलाने एक अलग चीज़ है लेकिन फैन फॉलोइंग अलग चीज़ है। अगर फैन फॉलोइंग है तो आप किसी भी लड़की की इज्जत उतार देंगे? नहीं, दुश्मनी अगर दुश्मनी वो लड़के, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है सामने वाले ने ऐसा क्या कर दिया कि लड़की इतने, अगर कोई लड़की इतने बड़े लेवल पे आके स्टेटमेंट दे रही है तो कुछ तो रीज़न होगा ना, पागल तो होंगी नहीं कि कंट्रोवर्सी के लिए स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाए। कहने दो, उनके कहने से हो जाऊंगी। लोग कहते हैं कि आपका दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के साथ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के साथ रह के ऐसा हो गया है कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता, लेकिन अभी उन लोगों से मैं दूर हूँ तो अब अभी ठीक है। अच्छा चलिए, ये कंट्रोवर्सीज तो चलती रहेंगी। वैसे हम बदला लेंगे जो फिल्म है इसके बारे में ज़रा हमें बता दीजिए, एक अलग स्टोरी है। हाँ जी, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हबीब जी, इनके साथ मेरी पहली फिल्म है और आज फर्स्ट डे ही शूट है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काम करके, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं एक्चुअली। और हबीब जी आइए ना, आइए आइए, ये है हमारे डायरेक्टर जो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं कि दो मिनट के बाद लीजिए क्योंकि सन चला जाएगा तो सीन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट, ऑडियंस मैं तो मुझे अभी ये लोकेशन बुक करना पड़ेगा दोबारा। बता दीजिए थोड़ा अपनी फिल्म के बारे में, हीरो के बारे में बता दीजिए, प्रोडक्शन के बता दीजिए, मिला दीजिए। हमारी फिल्म, मतलब फिल्म का नाम है हम बदला लेंगे, उसके मेन लीड में प्रियंका मतलब गार्गी पंडित हैं जो आपकी बहुत चहेती एक्ट्रेस है, और हीरो हैं हमारे प्रिंस अग्रवाल गहरी, तो ये कर रहे हैं मिलिड और कुछ धमाकेदार इनकी फिल्म में एंट्री होने वाली है। अभी मैंने देखा बुलेट लेके एंट्री दे रहे थे, बड़े धमाकेदार। हाँ, वो आप लोग देखेंगे कि वो बहुत ही प्यारा और क्यूट सा एक रोमांटिक सीन है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें आपको एक अपनी मोहब्बत का एहसास होगा उन दो कपल को देख करके, आपकी वाइफ आपकी गर्लफ्रेंड, आपको एहसास होगा कि वो हम हैं। फीलिंग के साथ बता रहे हैं मैं रहने वाला बस्ती का हूँ जी, और मेरी ये पहली लीड फिल्म है और पूरी तैयारी के साथ हम इस फिल्म को कर रहे हैं, और एक अच्छा सब्जेक्ट लेके, अच्छा कॉन्सेप्ट लेके और अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस लेके जो है, और मैं किसी को फॉलो भी नहीं करता हूँ, ऊपर वाले को मानता हूँ और अपनी मेहनत और ईमानदारी पे भरोसा रखता हूँ। कब तक फिल्म तैयार हो जाएगी? सर शूटिंग एक महीने के आसपास में हो जाएगा और फिल्म को रिलीज हम लोग दिवाली के आसपास में करेंगे,
और कंप्लीट जो है फैमिली फिल्म है। आखिरी सवाल जी, कब फिल्म की शूटिंग आप कहाँ कहाँ करेंगे? फिल्म के आपके अलावा और कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? मुंबई गुजरात में करेंगे शूटिंग फिल्म की, और हमारे साथ में प्रियंका पंडित जी हैं और संजय पांडे जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। संगीत दामोदर राव जी का है और स्टोरी जो है एस आर सागर की है, स्क्रीन प्ले डायलॉग जो है ए बी मोहन जी का है। थैंक यू, थैंक यू। और सर आप अपने बारे में बताइए, आप मीडिया से मुखातिब हैं आज जी, सर अपना परिचय बताइए सबसे पहले। तो सर मेरा नाम प्रिंस अग्रहरी है, मैं उत्तर प्रदेश बस्ती का रहने वाला हूं और मेरी फर्स्ट मूवी है हम बदला लेंगे, भोजपुरी फिल्म है। इसमें 10 गाने हैं और अच्छी फुल एक्शन फिल्म है, रिवेंज पे है। फिल्म में जरा आर्टिस्ट आपके साथ कौन कौन है वो जरा बता दीजिए। हमारे साथ में गार्गी पंडित जी हैं और संजय पांडे जी हैं और बहुत सारे मार्केट के आर्टिस्ट हैं, कुछ नए चेहरे भी हम लोगों ने लिया है। आज यहाँ क्या सीक्वेंस शूट हो रहा है? आज यहाँ पे एक सीन है जो बाइक से मैं प्रियंका पंडित जी को बैठा के और लाके उनके घर पर छोड़ता हूँ, थोड़ा लव इमोशनल टच है। अच्छा, बाइक पर आप बुलेट उनको बिठा के घुमा रहे जी जी। तो कहाँ कहाँ घूमने गए थे आज आप लोग? हम लोग मुंबई के आसपास काफ़ी दूर तक सैर किए। अच्छा, तो कुछ खाया पिया आप लोगों ने या फिर खाली घुमाए? नहीं, खाया तो नहीं, खाली पानी पिए बाद में। अच्छा, मतलब आप कंजूस ही रहो असल में? नहीं नहीं, कंजूस नहीं, अभी स्टार्टिंग के दिन है तो थोड़ा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, एक बार आप फेमस हो गए, एक बार पैसे कमाने लगे तो फिर खिलाएंगे पिलाएंगे? खिलाएंगे पिलाएंगे, लोगों को साथ लेके चलेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब आप प्रियंका पंडित को पिक्चर दिखाने ले जाना चाहते हैं? बिल्कुल दिखाएंगे, फिल्म दिखाएंगे, उनको भी दिखाएंगे। आपको पता है बड़ी खूंखार है? नहीं ऐसा नहीं, उनका नेचर काफ़ी कूल है और हम लोगों के साथ में काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही हैं वो, और काफ़ी अच्छी कलाकार वो हैं और नेचर की भी काफ़ी अच्छी है वो। अच्छा, जरा इस लव स्टोरी में विलन कौन है वो भी बता दीजिए। विलन संजय पांडे जी हैं। आज वो दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें? उनका शूट अभी नहीं है, वो आउटडोर शूट कर रहे हैं, तो उनका जब शूट होगा तब वो आएंगे और अपना शूट करेंगे। अच्छा, ये जो सारी कहानी है हम बदला लेंगे के लिए है जी। हम बदला लेंगे रिवेंज बेस्ड स्टोरी है, ये बदले वाली कहानी है जी जी। आप मानते हैं असल जिंदगी में भी बदला लेना या फिर ऐसी या फिर इंसानियत जैसा छोड़ देना चाहिए? नहीं, असल जिंदगी में नॉर्मल लाइफ जीना चाहिए और कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा समझ के चलना चाहिए। असल लाइफ में जो है बदला लेने का कोई विचार नहीं रखना चाहिए, एक इंसान और इंसानियत के नाते। आप हीरो कैसे बने? मैं हीरो तो बना नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, अपना काम कर रहा हूँ और पब्लिक हमको कितना लाइक करती है, कितना बड़ा हीरो बनाती है, क्या करती है, सब पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है। हम बदला लेंगे कहाँ कहाँ शूट होगी, कब रिलीज़ होगी? मुंबई और गुजरात में शूट हम लोग कम्प्लीट करेंगे और रिलीजिंग का प्लान हम लोग दिवाली के 10 दिन के बाद में कर रहे हैं। आप पहली बार फिल्म कर रहे हैं प्रिंस जी? जी, पहली बार आपने कैमरा फेस किया है जी। क्या कुछ परेशानी हो रही है या फिर अनकंफर्टेबल है कैमरे के साथ या सीखने में वक्त लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, तैयारी के साथ हम आए हैं मैदान में और काम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और अंदर से काफ़ी एनर्जी भी रखे हैं। और बाकी तो पहली फिल्म है, अब दर्शक के ऊपर है इनको कितना प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हैं और दर्शकों के बीच में राज करना चाहते हैं। भोजपुरी में कोई आइडल जिसे आप फॉलो करते हैं या मानते हैं कि उनकी तरह बनना चाहते हैं आप? नहीं सर, ऐसा कोई अपना आइडल नहीं है, मैं खुद को इस्टेब्लिश करके अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ एज ए एक्टर। आप गाने आपको किसके सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं? गाने सबके पसंद आते हैं, सबका अलग अलग फील होता है, गाने के ऊपर डिपेंड करता है। आप गाते नहीं हैं, आप चाहते हैं आपके लिए कौन गाए? आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी पर किसकी आवाज़ सबसे बेहतर लगेगी? नहीं, फ्यूचर में चल के हम गाने का प्रयास करेंगे, अभी गाते नहीं है जी, अभी नहीं गाते। कुछ कहना है ऑडियंस को? नहीं, अपना प्यार और आशीर्वाद दें और हमारी फिल्म को देखें, पसंद करें, लाइक करें और अपना बहुत सारा प्यार हमको दें और आगे बढ़ने का हमारा रास्ता